ये जो माँ की मोहब्बत होती है ना, सब मोहब्बत की माँ होती है। सो हे गुड मॉर्निंग गाइज, वेलकम बैक टू अवर ब्लॉग। तो अभी बज रहे सुबह के 9 और देखो लिटरली मतलब आज सुबह से ही धूप निकल आई है, तो आज काफी अच्छा मौसम रहने वाला है। तो छत पे थोड़ी सी धूप लेंगे, जैक को भी टहलाने के लिए छोड़ दिया है, जैक भी अपना धूप में टहलेगा। ये नाश्ता वगैरह कर चुका है अपना, सुबह से इसको नाश्ता चाहिए होता है, तो सुबह से इसको नाश्ता दे दिया जैक को और वो टहल रहा है। धूप काफ़ी अच्छी है तो आज छत पे ही अपन लोग धूप सेकेंगे। तो अभी फटाफट से चलते हैं, नाश्ता बन चुका है, थोड़ा सा नाश्ता कर लेते हैं। तो अभी जैक का जो है कोट निकाल दिया है, उसके बाद ये देखो खेल रहा है। दोस्तों देखो अभी मम्मी निकाल रही है घी, पर मम्मी से निकल नहीं रहा है बिल्कुल भी। कह नहीं निकल रहा मम्मी, गरम हो गया है, गरम होने से भी निकल रहा है। तो हो गया है ज्यादा गरम, इस वजह से बिल्कुल भी घी अभी निकल नहीं रहा है। तो फाइनली अभी नहा धो के हो गए हैं रेडी, और मम्मी ने भी अपनी घी निकाल लिया है 4 घंटे की मेहनत के बाद। और मम्मी हार नहीं मानी, सुबह 8 बजे लगी हुई है और 11 बजे जाकर के अब घी निकला है, निकल नहीं रहा था तो मम्मी ने निकाल लिया है फाइनली। तो मम्मी मेहनत सफल हुई। तो अभी देखो इधर घी बन रहा है कढ़ाई में, तो अभी खाना है रेडी और देखेंगे टीवी साथ में। खाने में बनाया आज आलू मिक्स और रोटियां बस। तो फाइनली अभी खाना ना खा के ऊपर आ चुके हैं, तो अब थोड़ी देर लेटेंगे, रेस्ट करेंगे, क्योंकि अभी 3 बजे से जाना है अपने को कोचिंग पढ़ाने। तो थोड़ी देर रेस्ट कर लेते हैं, फिर उसके बाद उठ के चलेंगे कोचिंग पढ़ाने। अभी रेस्ट हो चुका है और धूप भी बिल्कुल जा चुकी है। एक बार लेट जाओ तो फिर उठने का मन नहीं करता है, तो यार अब 3 बजने वाले हैं और तो कोचिंग पढ़ाने भी जाना है, तो फटाफट से निकलते हैं अभी। अभी निकल चुका हूँ कोचिंग पढ़ाने के लिए, रास्ते में हूँ, तो अब निकलते हैं फटाफट से, चलते कोचिंग पढ़ाने के लिए और 6 बजे कोचिंग पढ़ा के वापस भी आ जाएंगे। जैकेट डाल ली क्योंकि ठंड बढ़ जाएगी। तो वैसे अभी चलते चलते ना मेरे दिमाग में एक बात आई सुबह जब मम्मी घी निकाल रही थी उसके बारे में, तो यार मम्मी लगभग 4 घंटे तक कोशिश करती रही, उसके बाद जाके घी निकला, क्योंकि थोड़ा सा गर्म वरम ज़्यादा हो गया था उसके वजह से नहीं निकल रहा था। तो यार एक बात उसे समझ में आई कि मम्मी ने लगातार 4 घंटे कोशिश की उसके बाद निकला जाके, मतलब मम्मी ने बिल्कुल भी हार नहीं मानी और लगातार वो कोशिश करती रही उसके बाद जाके अंत में उनको सफलता मिली, जिससे मम्मी को बहुत ही ज़्यादा खुशी हुई थी कि हाँ चलो घी निकल आया, क्योंकि कल खिचड़ी है उसकी वजह से घी निकालना ज़रूरी था। तो यार मतलब समझ सकते हो कि मम्मी लोग हार कभी नहीं मानती, उसी तरह से हम लोग को भी कभी हार नहीं मानना चाहिए। तो यार जो लोग ब्लॉग बनाना चाहते हैं तो यार कंटिन्यू ब्लॉग करो, कभी हार मत मानो, एक ना देखने एक सफलता जरूर मिलेगी। है तो अभी कोचिंग से घर आया हूँ लौट करके, अंधेरा हो चुका है और ये देखो मम्मी क्या बना रही है, दही बड़े, कल खिचड़ी है इस वजह से। तो इस ब्लॉग को यहीं पर करते हैं एंड आई होप आपको ब्लॉग बहुत ही ज्यादा पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।